हेलो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स होती हैं, लाखों ऐप्स होती हैं, पर इनमें से आपके लिए कौन सी ऐप यूज़फुल होती है हमें कई बार पता भी नहीं लगता। हम कुछ ऐप्स बिना इंफॉर्मेशन के डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐसे में मैं भी आज कुछ 5 ऐप चुनकर लाया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और इतनी गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई ऐप आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी, क्योंकि इनमें कुछ ऑफिशियल ऐप्स होंगी और कुछ होंगी आपके लिए टाइम पास भी कह सकते हैं, उसे फनीज ऐप भी कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम सनी है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ 5 ऐप्स के बारे में, टॉप 5 ऐप्स इस महीने की जो होंगी यूज़फुल हो सकती हैं आपके लिए। अगर आपको उन ऐप्स के लिंक्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो उससे पहले ऐप्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्लीज़ 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 क्लिक कर दें। मुझे 10K सब्सक्राइबर की नीड है, 8,500 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक्स दिल से। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटर। कई बार क्या होता है कि गूगल का ट्रांसलेटर तो आप सबने सुना होगा, उसे यूज़ भी करते होंगे, पर मैं यहाँ आपको गूगल ट्रांसलेटर ऐप के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ एक ऐसे ऐप के बारे में बता रहा हूँ जो आपको उससे भी ज़्यादा इजी यूज़फुल रहेगा। गूगल ट्रांसलेटर में क्या होता है, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होता है, पर ये ऐप आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ बस आपको इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। ये किस तरह का ऐप दिखता है आप इसे देख लीजिए कि इसका आइकन कैसा है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस ऐप की खास बात यह है कि अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे किसी और लैंग्वेज में बात करते हो आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्विटर पे आप कोई भी अगर ट्विटर का इंग्लिश में किसी ने अपडेट किया है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कर्सर को ले जाके उसे वहाँ क्लिक कर देना है, ऑलरेडी उसे ट्रांसफर कर देता है, कर देगा आपकी पसंदीदा लैंग्वेज में, वो उसे कन्वर्ट कर सकता है। तो काफ़ी यूज़फुल ऐप है। आप अगर इंडिया में ही रहते हैं और आपका कोई फ्रेंड बंगाली है तो अगर आप उसे मैसेज करते हैं तो उसकी भाषा भी आप बंगाली में कन्वर्ट करके उसे मैसेज कर सकते हैं, और उधर से आने वाले रिप्लाई को आप हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं इस ऐप की मदद से। और ये इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, ये चाइनीज लैंग्वेज को भी आपको के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता है। तो ये काफ़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ साथ इंडियन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, तो काफ़ी यूज़फुल है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप हाई ट्रांसलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ये गूगल के ट्रांसलेटर से भी काफ़ी बेहतर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐप की तरफ। फ्रेंड, दूसरा ऐप है वीडियो पॉपअप। अब एक्चुअली आपके फ़ोन में कई बार क्या होता है कि आप MX प्लेयर यूज़ करते हैं वीडियो देखने के लिए, तो मैं आपको ये क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने इसे डाउनलोड किया और यूज़ देखा इसका, तो काफ़ी यूज़फुल है अगर आप इसे अपग्रेड भी कराते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। तो इसमें आप सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें आपको एक साथ, एक नहीं दो नहीं तीन तीन वीडियो आप अपने बैकग्राउंड में, आप कोई भी काम कर रहे हो तो ऑन स्क्रीन आप एक साथ डिफरेंट 3 टाइप ऑफ वीडियो आप क्यों कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है आप यूट्यूब पे काम कर रहे होते हैं, आपको कोई पसंदीदा वीडियो चल रहा है, उसी समय आपको कोई अर्जेंट मैसेज टाइप करके भेजना होता है, या कोई किसका मैसेज आया होता है, फेसबुक देखना होता है या इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आता है, आप उसे चेक करते हैं तो तुरंत यूट्यूब का वीडियो बंद करना पड़ता है आपको। पर अगर आप इसे अपडेट करा देते हैं तो बेस्ट पार्ट इसका यह है कि आपका यूट्यूब का वीडियो ऑटोमेटिक आप दूसरी ऐप को यूज़ करेंगे तो वो बंद नहीं होने का, ऑन स्क्रीन आपका चलता रहेगा। उसके साथ आप बैक में अपने फ़ोन में जो वीडियो वो भी चला सकते हैं। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो ट्राई करने के लिए लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि ये आपका ऐप कितना यूज़फुल है कमेंट करके। नेक्स्ट ऐप की बात कर लेते हैं। पढ़ने के शौकीन हैं और आप इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं तो एक तो जो मैंने आपको ऐप बताया था उसको ट्रांसलेट करके आप वो इंग्लिश बुक्स भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आप हिंदी बुक्स पढ़ते हैं तो एक ऐप ये है, ये वाला ऐप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस ऐप में आपको तरह तरह के उपन्यास, न्यू राइटर, कहानियाँ, काफ़ी सारी आपको उपन्यास डेली अपडेट्स आपके ईमेल्स पे आते रहेंगे, और आप इसमें इसे डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ सकते हैं। साथ में ही आपको यहाँ डार्क मोड भी मिल जाता है जिससे कि आप इसकी ब्राइटनेस कम करके भी नाइट मोड में अपनी पसंदीदा कहानियों को, चाहे आपको नोटिफिकेशन आया हो तो उस समय आप उसे डाउनलोड करके रात में बगैर नेट का यूज़ करके भी रीड कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट ऐप की बात। दोस्तों, ये ऐप थोड़ा हटकर है, ये फ़ोटो वाला ऐप है। अगर मान लीजिए बहुत से घरों में लोग बाग डॉगीज पालने की इच्छा रखते हैं मगर वो शिस्ट कर देते हैं, कई बार इसी वजह से आप डॉगी नहीं पालना चाह पाते, पर अगर ऐसे में आपको डॉगीज के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मन करता है तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसमें इसके साथ साथ एनिमल पेट्स के साथ साथ आपको सेलिब्रिटीज जैसे स्पाइडरमैन, ये सब फोटोग्राफ आप उनके साथ
चला सकते हैं। इस तरह से आप अपने फनी वीडियोज भी क्रिएट कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं वीडियो क्रिएट करके, तो काफी यूजफुल है, थोड़ा टाइम पास बेस भी है। मैंने भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, आई होप अगर आपको ये और भी बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट ऐप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं ऐप ब्राउजर के बारे में बात कर लेते हैं। इस ऐप में आपको काफी सारे लिंक्स एक साथ मिल जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपको एक ही साथ काफी सारी शॉपिंग वेबसाइट एक ही पेज पे मिल जाती है। आपको इसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये, हाँ हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ मैं एक सेट देख लेता हूँ, सैमसंग 8, और तो आप देखेंगे कि आपको एक साथ फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये सारे के सारे आप यहाँ उसके रेट कंपेयर कर सकते हैं, किन किन वेबसाइट पे अवेलेबल है, किन किन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। इजीली आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ प्राइस हाई जा रहा है, कहाँ प्राइस लो है। तो ये आपको 3-4 ऐप आपके फ़ोन में शॉपिंग की जगह ना क्रिएट करते, सिर्फ आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आप इसमें एक साथ 4 ऑनलाइन शॉपिंग, इसी तरह से सोशल साइट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ आप एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो ये काफ़ी यूजफुल ऐप है, मैं तो इसे शॉपिंग के पर्पज़ से मैंने डाउनलोड किया है, ताकि मुझे बार बार फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ना प्राइस चेक करना पड़े, एक साथ में यहाँ एक ही प्रोडक्ट को चारों वेबसाइट पर अपना चेक कर सकता हूँ। तो उम्मीद है ये आपको ऐप पसंद आएगा। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पाशन चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे भी है जाकर आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर इंस्टाग्राम के पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें, अगर आपको पसंद नहीं आता डिसलाइक करें, पर साथ में उसका रीज़न भी बताएं, ताकि हम अपने चैनल में अपनी वीडियोज़ क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर सकें। और किस टॉपिक पे या किसी ऐप के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें। आप अपने सवाल कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनके रिप्लाई टाइम टू टाइम देता रहता हूँ।